हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स। सारी जो ट्रिगो में तो यूज होती है मैथमेटिक्स के सभी पार्ट्स में, फूरियर सीरीज, सिग्नल सिस्टम, इंजीनियरिंग में भी सारी चीजें यूज होती है। उन सारी चीज को आप देखेंगे, जैसे साइन, बड़ी बड़ी वैल्यू कोई निकालनी है, जैसे साइन 1 1 3 5 π/6 इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस एन पाई प्लस पाई बाई सिक्स निकालनी है, कोई और दूसरी वैल्यू आ गई है ना, टेन 1 4 3 7 π/4 ऐसी वैल्यू निकालनी है। मतलब किसी भी एंगल पे, कितना भी बड़ा एंगल हो, उसकी साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे आज के वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद। हम शुरुआत बहुत बेसिक से करेंगे, सिंपल से करेंगे, धीरे धीरे उसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु राजीव पटेल चैनल, मैं हूं राजीव पटेल। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो वैसे सभी अवगत होंगे इससे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं। इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई नेगेटिव होता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, प्लस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। नेगेटिव पॉजिटिव लिख रहे हैं, पहला आपका एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव लिख रहा हूं मैं, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, ऐसा दिख रहा है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन से रिलेटेड कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी सारे निगेटिव होते। याद रखने के लिए आप याद रखते ही हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड सुगर टू कॉफी, एड मतलब ऑल, सुगर मतलब साइन, साइन पॉजिटिव, टू मतलब टेन पॉजिटिव और कॉफी मतलब कॉस पॉजिटिव। तो ये सारे बेसिक तो आप जानते हैं। अब एंगल पे आते हैं धीरे धीरे। कोई भी जो भी एंगल हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव एक्सिस से मेजर करते हैं। जितने भी एंगल गिवन होते हैं वो मेजर किए जाते हैं पॉजिटिव एक्सिस, ऑल एंगल मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस। और पॉजिटिव एक्सिस से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन हो गया घड़ी की उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में जो भी एंगल मेजर करेंगे वो पॉजिटिव कंसिडर होगा, और क्लॉकवाइज कोई एंगल मेजर करेंगे तो निगेटिव कंसिडर होगा। मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज कोई एंगल आपने मेजर किया है तो नेगेटिव कंसीडर होगा। एक बार फिर से है ना, जितने भी एंगल मेजर होंगे सारे पॉजिटिव एक्सिस से एंगल मेजर होंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव कंसीडर होगा, क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहे हैं पॉजिटिव एक्सिस से तो नेगेटिव कंसीडर होगा। तो एक्स एक्सिस से हम एंगल मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर के कोई पॉइंट का एंगल जीरो है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो एंगल जीरो है। एक्स एक्सिस से हम वाई एक्सिस जा रहे हैं, वाई एक्सिस पर का कोई पॉइंट है तो वहां पे एंगल 90 डिग्री या पाई बाई टू होगा, पाई बाई टू लिखे या 90 डिग्री लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो पाई बाई टू 90 डिग्री होगा। फिर वापस है ना नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएंगे तो ना एक क्वाड्रेंट, मतलब
एक एक्सिस नेक्स्ट एक्सिस वाले पे जाते हैं तो पिछले वाले एक्सिस के एंगल में पाई बाई टू एंगल ऐड हो जाता है, मतलब पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पाई हो जाएगा। नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएंगे तो इसमें फिर पाई बाई टू एड हो जाएगा, थ्री पाई बाई टू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर कोई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा तो इसमें पाई बाई टू एड होकर टू पाई बन जाएगा। फिर इस पे जाएगा तो इसमें भी पाई बाई टू एड होकर फाइव पाई बाई टू बन जाएगा। फिर इस पे आएगा तो पाई बाई टू एड होकर थ्री पाई बन जाएगा। फिर ये सेवन पाई बाई टू बन जाएगा, यहां जाएगा तो फोर पाई बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि एक एक्सिस पर के सेकेंड एंगल लिख रहे हैं तो टू पाई एड हो रहा है, और एक एक्सिस से दूसरे पे जा रहे हैं तो पाई बाई टू एड हो रहा है। ये हो गया नाइन पाई बाई टू हो जाएगा, इस पे जाएंगे तो फाइव पाई हो जाएगा, फिर इस पे वापस जाएंगे तो इलेवन पाई बाई टू हो जाएगा। तो अगर एंगल को जनरलाइज करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल है जीरो टू पाई फोर पाई फिर सिक्स पाई होगा एट पाई होगा, और वैसे ही नेगेटिव भी चलेगा इधर है ना, माइनस पाई बाई टू इधर जाएगा तो माइनस पाई इधर आएगा तो माइनस थ्री पाई बाई टू, क्लॉकवाइज जब चलेगा तो नेगेटिव भी चलेगा। तो इसको जनरलाइज करके एक्सिस पर का एंगल को लिखना चाहें तो एक्स एक्सिस पर का एंगल है इवन टर्म ऑफ पाई, इवन टर्म ऑफ पाई को 2n पाई से लिखते हैं, इस एंगल को हम लिखते हैं 2n पाई। मतलब एक्स एक्सिस पर का एंगल को जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर का एंगल को तो 2n पाई लिखेंगे, n इंटीजर है, n की कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी ले लें। अब यहां से 2n पाई है, अब इसमें पाई बाई टू एड करेंगे तो इसका जनरल एंगल क्या होगा 2n पाई प्लस पाई बाई टू, सॉल्व करें तो ये आएगा 4n प्लस 1 पाई बाई टू। मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस का जनरल एंगल हो गया 4n प्लस 1 पाई बाई टू। फिर इसमें आएंगे तो ऐसे भी तो ऑड टर्म ऑफ पाई है, इसमें भी पाई बाई टू एड करेंगे तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई, ये आएगा 2n प्लस 1 पाई। और फिर इसमें पाई बाई टू एड करेंगे तो 4n प्लस 3 पाई बाई टू आ जाएगा, या फिर इधर से पाई बाई टू माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 4n माइनस 1 पाई बाई टू। मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस का जनरल एंगल हम यही मान के चलेंगे 4n माइनस 1 पाई बाई टू। तो पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल होगा तो वाई एक्सिस का एंगल है, और पाई का मल्टीपल होगा ऑड हो यही बनो तो एक्स एक्सिस का एंगल है। अगर पाई का इवन मल्टीपल होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल है, पाई का ऑड मल्टीपल होगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल। और ऑड वाले में है ना, पाई बाई टू वाले में हम देखेंगे कि चार के मल्टीपल से एक ज्यादा है, पाई बाई टू के साथ जो लगा हुआ है वो चार के मल्टीपल से एक ज्यादा है तो आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस का एंगल है, और चार के मल्टीपल से एक कम है तो नेगेटिव वाई एक्सिस का एंगल। जैसे हम देखें किसी ने पूछा कि भाई 18 पाई किसका एंगल है, आप जल्दी से बताएं 18 पाई। अब पाई है तो एक्स एक्सिस पे होगा, नेचुरल सी बात है, पाई तो एक्स एक्सिस है, इवन है ऑड है, इवन है तो इसका मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल है। अब पूछा 17 पाई किसका एंगल है, पाई है तो एक्स एक्सिस का एंगल है, और ऑड मल्टीपल है तो ए नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल है। इसी तरीके से पूछा है ना 23 पाई बाई टू किसका एंगल है, कैसे बताएंगे 23 पाई बाई टू, पाई बाई टू है ऑड मल्टीपल है पाई बाई टू का तो वाई एक्सिस पे जाएगा। अब देखिए चार के मल्टीपल से एक ज्यादा है या चार के मल्टीपल से एक कम है, इसके नीचे 23 के ऊपर और नीचे चेक करिए, ऊपर 24 24 और नीचे 22 है, चार का मल्टीपल 4 का मल्टीपल 24 है या फिर 22 है, नेचुरल सी बार है 24 4 का मल्टीपल होगा तो 24 माइनस 1 है ना, 4n माइनस 1 करने से 23 आ रहा है, 4n माइनस 1 मतलब कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस का एंगल, इसका एंगल है नेगेटिव वाई एक्सिस का एंगल है। तो इस तरीके से है ना, अगर कोई एक्सिस, अभी हम एक्सिस पे ही चल रहे हैं फिर धीरे धीरे आगे है ना कोऑर्डिनेट्स के अंदर इन करेंगे, पहले एक्सिस पर के वैल्यू को है ना फाइंड करना सीख लें, फिर कोऑर्डिनेट के अंदर के वैल्यू को किसी भी एंगल के वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे।
अब थोड़ा देखते हैं इन एक्सिस पे साइन कॉस इस सब की टैन की वैल्यू क्या होती है, इसको हम कंसीडर करते हैं। देखते हैं साइन के बारे में, देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे साइन थीटा जीरो होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे वन होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे माइनस वन होता है। कॉस थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे वन, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे माइनस वन और वाई एक्सिस दोनों पे पॉजिटिव या नेगेटिव पे जीरो होता है। तो हम दो स्टेप में किसी भी एक्सिस पे कितना भी बड़ा एंगल है साइन या कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं और साइन कॉस निकाल सकते हैं, तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियो निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो टैन, और रिवर्स कर देंगे तो उसका हो जाएगा कॉट। जैसे कोई पूछा साइन 117 पाई की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? पाई, पाई का मतलब एक्स एक्सिस का एंगल है और ऑड है, पाई के साथ ऑड लगा हुआ है। ऑड है का मतलब अभी आप देखे थे ए आपका था 2n प्लस 1 पाई, ऑड टर्म ऑफ पाई, ए इवन टर्म ऑफ पाई, और पॉजिटिव वाई एक्सिस 4n प्लस 1 पाई बाई 2 और नेगेटिव वाई एक्सिस 4n माइनस 1 पाई बाई 2। तो ऑड वाला है तो ये आपका एंगल है नेगेटिव एक्स एक्सिस का। पहले आपको बताना है कि ये किस एक्सिस का एंगल है, बाद में पढ़ने के अंदर भी जाएंगे। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू जीरो है तो आंसर जीरो हो गया। बोलेगा कॉस 2135 पाई, अब ऑड टर्म ऑफ पाई है, ऑड टर्म ऑफ पाई है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल है, एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस का है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कॉस की वैल्यू, देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कॉस की वैल्यू माइनस वन है तो इसकी वैल्यू माइनस वन होगी। बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं किसी भी एंगल का वैल्यू। अब पूछेगा टैन, टैन 118 पाई, तो 118 पाई किस एक्सिस पर का एंगल है, पाई है तो एक्स एक्सिस, पाई बाई 2 है तो वाई एक्सिस, तो पाई का मतलब एक्स एक्सिस, इवन पाई है, इवन टर्म, 118 इवन क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल है। साइन अपॉन कॉस होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे साइन जीरो कॉस वन, जीरो अपॉन वन, ये वैल्यू जीरो हो गई, आसानी से बता सकते हैं। वाई एक्सिस का कोई एंगल ले ले, जैसे है ना कॉस 43 पाई बाई 2, अब कॉस में पाई बाई 2 है तो जीरो ही होगा, ऐसा एक्सिस बताना चाहे तो ये 44 माइनस 1 है, 43 को क्या ले सकते हैं 44 माइनस 1, तब 4 का मल्टीपल आएगा, 42 प्लस 1 करेंगे तो 42 4 का मल्टीपल नहीं, तो ए 4n माइनस 1 ये आ गया आपका कौन सा एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस पे कॉस की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। इसी तरीके से अगर देखना हो साइन 117 पाई बाई 2 और 117 के ऊपर नीचे, देखिए 118 और 116, 4 का मल्टीपल देखना है तो पूरा देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट का 2 डिजिट देखना जरूरी है, बाकी डिजिट को छोड़ दीजिएगा, कितना भी बड़ा डिजिट हो लास्ट का 2 देखना है, 17 है तो 16 और 18, बोलिए 4 का मल्टीपल कौन है 16, तो 16 प्लस 1 4n प्लस 1 करने से आ रहा है तो ये आ गया पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे साइन की वैल्यू क्या होती है, प्लस वन है ना, ये आपका प्लस वन दे रखा है तो प्लस वन हो गया। अब साइन दे दिया 11783 पाई बाई 2 इसकी वैल्यू दे रखा, अभी पाई बाई 2 ही सीख रहे हैं, पाई बाई 3 पाई बाई 4 आगे आएंगे, तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखना है, 83 देखना है, 83 के पास में 82 है और 84 है, 84 है ना, 84 4 का मल्टीपल होगा तो ये 4n माइनस 1 वाला है, तो 4n माइनस 1 मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है।
नेगेटिव वाई एक्सिस पे साइन की वैल्यू माइनस वन होती है, तो इसकी वैल्यू भी माइनस वन हो जाएगी। टैन की वैल्यू निकालनी है तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। तो ये हमने सीख लिया कि एक्सिस पर का कोई एंगल है तो उस पे साइन कॉस टैन ये सब की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब धीरे धीरे हम एक्सिस के अंदर भी आते हैं कि बीच में कोई वैल्यू है, पाई बाय थ्री के टर्म में है, पाई बाय फोर के टर्म में है, पाई बाय सिक्स के टर्म में है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। इसके लिए कुछ रूल्स है उसको हम पहले समझेंगे, और रूल समझने के पहले हम कोई एंगल दिया है तो उसका कोऑर्डिनेट बताना सीखते हैं कि कोई भी जनरल एंगल गिवन है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। जैसे दे रखा है 130 पाई बाय 3, तो बोला कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा कैसे बताएंगे। तो इसका तरीका क्या है, तो 113 के पास में 3 का मल्टीपल खोजेंगे, सर्च करेंगे कि 3 का मल्टीपल कौन सा है, 3 का मल्टीपल कौन सा है। 113 तो नहीं है, 3 प्लस 2 5 हो रहा है, तो ये नहीं है, तो 5 हो रहा है तो 6 है ना, इस डिजिट सम 3 प्लस 2 5 है ना, तो 5 के पास में 3 का मल्टीपल कौन है, 6 है, तो नेचुरल सी बात है इसके पास में 3 का मल्टीपल 114 होगा। इसको 113 को 114 माइनस 1 लिख सकते हैं, पाई बाय 3 है ना, ऐसा लिख सकते हैं। हमने 113 के पास में 4 का 3 का मल्टीपल नहीं देखा, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, डिजिट सम 5 देखा ना, 5 के पास में 3 का मल्टीपल कौन सा है, 6 है या 3 है, 6 नेचुरल है पास है, तो इसका ऊपर जाने पे 6 आ रहा है ना, तो 114 कर लिया, आसान है। और पाई बाय 3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 114 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 3 या 9, 38 या 24, 38 पाई माइनस पाई बाय 3। अब अभी हम पढ़े 38 पाई किस एक्सिस का एंगल है, 38 पाई किस एक्सिस का एंगल है, पाई है तो एक्स एक्सिस होगा और इवन टर्म ऑफ पाई है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल है। अभी आप चेक कर चुके हैं किधर है भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और माइनस पाई बाई 3 माइनस थीटा हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है माइनस थीटा हो रहा है। अभी आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही कि प्लस थीटा, प्लस पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, माइनस थीटा का मतलब क्लॉकवाइज। तो यहां से क्लॉक आप जानते हैं यहां 12 बजता है, यहां 3 बजता है, यहां 6 बजता है, यहां 9 बजता है, 9 बजता है, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन ये होता है 12 टू 3, 3 टू 6, 6 टू 9, 9 टू 12। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बंदा खड़ा है और क्लॉक वाइज मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो बताइए किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो आपने पूछा गया था कि 113 पाई बाय 3 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो हम बोल देंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, ऐसा बोल सकते हैं। और भी एक कुछ एग्जांपल है, जैसे 1 2 3 7 पाई पाई 6 एक इस क्वाड्रेंट का एंगल, बताएं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसको नेचुरल सी है 6 का मल्टीपल नहीं है, 7 लास्ट में है, तो इसके आसपास हम देखेंगे 6 का मल्टीपल कैसे है, कौन सा है, तो इससे एक ऊपर भी जाएंगे एक नीचे भी जाएंगे तो इवन होगा, तो 2 का मल्टीपल तो होगा ही, हमें बस 3 का मल्टीपल चेक करना है। 3 के मल्टीपल में डिजिट सम हम चेक करते हैं, 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12 प्लस 1 13 है ना, 13 के पास में 3 का मल्टीपल कौन सा है, 14 है या 12 है, 12 ये तो जानते ही है भाई, तो है ना इसके नीचे वाला वैल्यू मतलब 1 2 3 6 है जो 6 का मल्टीपल होगा, इसको इस फॉर्म में लिख दें 1 2 3 6 प्लस 1। अब पाई बाई 6 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 6 इंटू पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6
सिक्स से हम डिवाइड करेंगे, सिक्स टू जा ट्वेल्व, थ्री उतरेगा तो थ्री तो कटेगा नहीं, तो जीरो, सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स, मतलब टू जीरो सिक्स पाई प्लस पाई बाई सिक्स। अब टू जीरो सिक्स पाई किस एक्सिस पे लाइक कर रहा है बताएं, टू जीरो सिक्स पाई, पाई एक्स एक्सिस और इवन है, ऑड है, इवन है, इवन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है, मतलब टू एन पाई का फॉर्म है ना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है। बताइए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है बंदा खड़ा और प्लस थीटा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, पॉजिटिव प्लस थीटा हो रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहां से मूव करेगा, यहां से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ए वाला एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो इस तरीके से हमें कोई भी एंगल गिवन है हम उसको देखकर बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में एंगल लाइक कर रहा है। नॉर्मली ये बहुत डिफिकल्ट काम था जिसको आपने बहुत ही आसान बना दिया है। अब इसका उपयोग हम आगे करेंगे, कैसे करेंगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती है कि साइन एन पाई प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, बच्चे याद करते हैं 90 कॉस 90 प्लस थीटा भाई माइनस साइन थीटा होता है, ये सारी वैल्यू याद करते हैं, इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी वैल्यू याद करिए भाई, साइन 270 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 360 प्लस थीटा डिग्री प्लस थीटा कितना होता है, साइन 24 पाई प्लस थीटा कितना होगा, पॉसिबल नहीं याद करना। तो इसे फाइंड करने का भी हम ट्रिक सीखते हैं, आज वन बाय वन सारे ट्रिक इस पार्ट के कंप्लीट ही कर लेंगे। ध्यान करिए एक्स एक्सिस है और ए वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हम सेम एक्सिस बोलते हैं, मतलब ये वैल्यू को चेंज नहीं करता, और इसको मिरर एक्सिस भी बोलते हैं, वाई एक्सिस को मिरर एक्सिस बोलते हैं, मतलब कोई ट्रिगो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और एक्स एक्सिस पर का एंगल में प्लस थीटा या माइनस थीटा हो रहा है ना, एक्स एक्सिस पे एंगल है, ये एंगल कितनी भी बड़ी है आप पता तो कर सकते हैं ना कि एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा है वाई एक्सिस पे, इतना तो आप हो ही चुके हैं कैपेबल। एक्स एक्सिस पे के एंगल में प्लस थीटा या माइनस थीटा हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रह जाएगा, चेंज नहीं होगा, और प्लस थीटा होगा, प्लस होगा बाहर साइन में, माइनस होगा वो डिसाइड करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, एंगल किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है पता करना आ चुका है, उस पर डिसाइड होगा कि ये प्लस होगा या माइनस होगा साइन पे। वैसे ही अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रखा है अंदर वाई एक्सिस का कोई एंगल है और उसमें प्लस या माइनस थीटा हो रखा है तो ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स आप जानते हैं, रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा, रिवर्स का मतलब साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टेन का कॉट, कॉट का टेन हो जाएगा ना, रिवर्सिंग तो जानते ही हैं, साइन से कॉस बन जाएगा, टेन का कॉट बनेगा और कॉस एक से सेक बनेगा। तो आइए थोड़ा सा इसको एग्जांपल के साथ समझने का प्रयास करें। कोई कुछ साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, सिंपल लेके चल रहे, ज्यादा बड़ा एंगल नहीं ले रहे हैं, आपको समझने के लिए आसानी होगी। आप पहले पता लगाएंगे, तीन बातें पता करेंगे कि किस एक्सिस का एंगल है, किस एक्सिस का एंगल है तो उसमें सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, दूसरा पता करेंगे कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उस क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका साइन डिसाइड होगा। तो पाई, पाई के साथ में बल लगा हुआ है, ऑड टर्म ऑफ पाई, पाई मतलब एक्स एक्सिस का एंगल है, तो एक्स एक्सिस का एंगल है तो साइन का साइन थीटा ही रह जाएगा, प्लस होगा या माइनस होगा ये डिसाइड होगा कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ऐसा पता करना हम सीख चुके हैं, ए नेगेटिव एक्सिस का एंगल है ना जी, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल है, यहां पर पाई है
अब इसमें प्लस थीटा हो रहा है, जैसे ये बताया प्लस थीटा करना है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज इधर चले, नहीं 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 भाई, यहाँ तो 12 बजता है या 9 बजता है ना, यहाँ 6 बजता है, क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में जाना है तो पाई से इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। और थर्ड क्वाड्रेंट एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन थीटा होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, थोड़ा एक दो और एग्जांपल देखेंगे आ जाएगा समझ। नेक्स्ट देखते हैं, कॉस 13 पाई माइनस थीटा। अब बताएं 13 पाई किस एक्सिस का एंगल है? पाई है तो एक्स एक्सिस ही होगा, और ऑड टर्म ऑफ पाई है तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का, या मैं लिख के रखता हूं ठीक है, 2n पाई और 2n प्लस 1 पाई और 4n प्लस 1 पाई बाई 2 और निगेटिव पाई एक्सिस 4n माइनस 1 पाई बाई 2 ध्यान में रहेगा आपके। तो ऑड टर्म ऑफ पाई बाई 2 है तो निगेटिव x एक्सिस का एंगल है। अब निगेटिव x एक्सिस एंगल में माइनस थीटा हो रहा है, क्लॉक वाइज मूव करेंगे, 9 बज रहा है भैया भैया ना, 9 बज रहा है, क्लॉक वाइज मूव करेंगे तो 12 की तरफ जाएंगे, 9 से 12 की तरफ जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। बताएं कोई, पहले तो x एक्सिस का एंगल है तो cos का cos ही रह जाएगा वैल्यू, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? एड सुपर टू कप कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो नेचुरल सी बात है कॉस निगेटिव होगा, माइनस कॉस थीटा इसकी वैल्यू आ गई। और पता है साइन 217 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू बताएं कि क्या होगी। जल्दीबाजी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, मुश्किल लग रहा होगा, वीडियो के अंत जाते जाते आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम आसान हो जाएगा, यूं जवाब दीजिएगा। 21 एक्सिस का एंगल है, पाई बाई 2 है तो नेचुरल सी बात है बाई एक्सिस का एंगल होगा, बाई एक्सिस एंगल होगा तो साइन का तो कॉस होगा ही, लफड़ा प्लस और माइनस का है, उसके लिए एक्सिस और कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा। 17 के पास में 16 है और 18 है, 4 का मल्टीपल कौन है? 16 है, तो 4n प्लस 1 पाई बाई 2 करके आ रहा है, 16 प्लस 1 17 होता है ना जी, तो 4n प्लस 1 पाई बाई 2 मतलब पॉजिटिव y एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस से प्लस थीटा हो रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस पे बंदा खड़ा है जी, प्लस थीटा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो यहां वैल्यू है इधर नहीं, इधर इधर मत देखना है, साइन साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है मतलब प्लस कॉस थीटा होगा। आसान है, और देखें टैन 143 पाई बाई 2 माइनस थीटा, बताइए इसका, पाई बाई 2 है तो चेंज हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट तो हमने पहले लिख दिया जी, अब बताइए प्लस होगा या माइनस होगा, उसके लिए क्वाड्रेंट इसका पता करना पड़ेगा जी। 143 43 के पास में 44 है, मतलब 44 माइनस 1 है, 4 का मल्टीपल 44 है, 4n माइनस 1 निगेटिव y एक्सिस है, ये आपका निगेटिव y एक्सिस का एंगल है, माइनस थीटा हो रहा है, नेगेटिव y एक्सिस में से माइनस थीटा जा रहा है भाई, माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज 6 to 9 इस तरफ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, प्लस कॉट थीटा ही है रहेगा। एक और देखें, थोड़ा मुश्किल में आते हैं, साइन एन पाई प्लस थीटा क्या होगा,
चलिए पहले 2n पाई है ना प्लस थीटा बताइए क्या होगा, फिर n पाई प्लस थीटा में आएंगे। 2n पाई, 2n पाई किसका एंगल है? पॉजिटिव x एक्सिस का, पॉजिटिव x एक्सिस का, और पॉजिटिव x एक्सिस में प्लस थीटा हो रहा है। पॉजिटिव x एक्सिस है तो साइन का साइन ही रहेगा, और इसमें प्लस थीटा हो रहा है तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस साइन थीटा ही रहेगा। अब लेते हैं कॉस एन पाई प्लस थीटा, क्या होगा? कॉस एन पाई प्लस थीटा। अब पाई एक्स एक्सिस तो है, एन पे डिपेंड करेगा, एन ऑड है, एन ऑड है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, एन इवन होगा तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा। अब एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो इसकी दो आंसर आएगी, जब एन इवन होगा तो अलग वैल्यू आएगी, एन ऑड होगा तो अलग वैल्यू आएगी। एन इवन होगा तो अलग वैल्यू आएगी, एन ऑड होगा तो अलग वैल्यू आएगी। एन इवन होगा तो क्या होगा? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का होगा, एक्स एक्सिस है तो कॉस का कॉस ही थीटा दोनों में होगा, प्लस माइनस का ही लफड़ा है। तो एन इवन होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्लस थीटा हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो प्लस कॉस थीटा होगा, एन ऑड होगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस जाएगा, ऑड टर्म ऑफ पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस में प्लस थीटा हो रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, प्लस थीटा मतलब 9 to 6 जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, माइनस कॉस थीटा होगा जी। तो इवन पे प्लस कॉस थीटा, ऑड पे माइनस कॉस थीटा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 to the power n कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। इवन एन की वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस कॉस थीटा आएगा, ऑड वैल्यू पुट करेंगे एन की तो माइनस कॉस थीटा होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस एन पाई प्लस थीटा -1 to the power n कॉस थीटा होगा। कितने आसानी से हमने समझ लो, टाइम वगैरह सबका कर सकते हैं। अब देखते हैं कोई बड़ी, कोई भी रैंडम कोई एंगल दे रखा है उसके साइन कॉस की कैसे वैल्यू निकलते हैं। जैसे साइन 279π/4 इसकी क्या वैल्यू होगी, मतलब एक्सिस पर का एंगल नहीं है ना, बीच में क्वाड्रेंट में कहीं भी कोई एंगल दे रखा है और बड़ी एंगल दे रखा है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो पहले इसमें चेक करना होगा कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके लिए 279 के आसपास 4 का मल्टीपल देखना होगा भी, क्या होगा इसके आसपास 4 का मल्टीपल बताएं आप जल्दी से। सेवेंटी नाइन के पास 78 नहीं है, 84 का मल्टीपल है जी, इसको लिखेंगे साइन 280 -1π/4, इसको दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, 4 से डिवाइड होगा तो 70π -π/4 हो जाएगा। अब बताएं 70π किसका एंगल है? इवन टर्म ऑफ पाई बाई 4, इवन टर्म ऑफ पाई 2n π, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो साइन का साइन ही रह जाएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा कैसे डिसाइड होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस थीटा, क्लॉकवाइज जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, -sin π/4 इसकी वैल्यू आई, -sin π/4, sin π/4 तो पता है, आप पिछला वीडियो एक है उसमें π/4 π/3 की है ना ट्रिक, कैसे ट्रिक से वैल्यू निकालते हैं वो आप देख लीजिएगा। sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये वैल्यू आई -1/√2, मतलब साइन 279π/4 की वैल्यू आई -1/√2, ये आप आसानी से निकाल पा रहे। नेक्स्ट और कोई वैल्यू देखते हैं, कॉट 4173π/3, 73 तो आपका ना 3 का मल्टीपल ही हो जाएगा, 7 मन कर लेते हैं ठीक है। तो देखिए इसमें है ना, ये 3 का मल्टीपल नहीं है ना,
थ्री का मल्टीपल होता तो डायरेक्ट कैंसिल आउट करके फिर जो बनता उससे पहले देख लेते हो तो एक्स स्क्वायर का एंगल आ जाता, इसलिए हमने थ्री का मल्टीपल एंगल की वैल्यू नहीं दिया। तो इसके आसपास थ्री का मल्टीपल है कैसे पता करेंगे, इतनी बड़ी क्वांटिटी को नहीं पता करना है जी। इसका डिजिट सम निकालिए, 4 प्लस 1 5 7 प्लस 5 12 प्लस 1 8 डिजिट सम 13 आ रहा है ना, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 1 करके क्या आ रहा है 13 आ रहा है। तो 13 के पास 15 और 12 है, तो 12 के टर्म में लाएंगे ना, मतलब 12 प्लस 1 13 हो रहा है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे cot 1470 प्लस 1 पाई बाई 3, ये हो जाएगा cot 1470 को 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1470 इंटू पाई बाई 3, ओपन करके लिख देते हैं ताकि आपको समझ में थोड़ा आए। इसको डिवाइड करेंगे 3, 4, 3, 4 जा 12, 3, 9 जा 27, मतलब हो गया cot 490 पाई प्लस पाई बाई 3। अब एक किस एक्सिस का एंगल है 490 पाई, इवन है जो लास्ट में जीरो है तो इवन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल है तो कॉट एक्स एक्सिस है, मतलब कॉट का कॉट ही रह जाएगा, एक्स एक्सिस वाले एंगल पे कॉट का कॉट ही रह जाएगा, सेम रह जाएगा, वाई एक्सिस वाले एंगल पे चेंज हो जाएगा। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस थीटा हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर का एंगल है प्लस थीटा हो रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। कॉट पाई बाई 3 कितना होता है भाई, 1/√3 होता है। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू बता सकते हैं। और एक देखें एग्जांपल, cos 4137 785 ले लिया ठीक है, पाई बाई 6 एक इसका एंगल, इसकी वैल्यू क्या होगी बताए। तो 35 के पास में 6 का मल्टीपल कौन सा होगा, ऊपर या नीचे जाएंगे 2 का मल्टीपल तो होगा ही, इसमें 3 का मल्टीपल देखना है, ऐसा नहीं कि 36 लगा दे ना तो हो गया 6 का मल्टीपल, नहीं ऐसा नहीं होगा, सबके अलग अलग रूल होते हैं, इसको 3 का मल्टीपल में चेक करना है, 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो रहा है 13, 13 के पास में 3 का मल्टीपल 12 है ना, एक नीचे जाना पड़ेगा भाई, 36 नहीं होगा भाई, 4136 6 का मल्टीपल नहीं होगा, ध्यान रहे, फॉल्स मत कर दीजिएगा, 4134 प्लस 1 पाई बाई 6 आप डिवाइड करके देखिएगा, 4134 6 से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, काट के देखें 6 6 जा 36 53, 8 6 जा 48 54 9 6 जा 54, तो 689 पाई आ गया ना, cos 689 पाई प्लस पाई बाई 6। अब बताएं किस एक्सिस का एंगल है, एक्स एक्सिस तो यही है सेम ही रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल है, और टर्म है ना ये 9 है, तो ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल है, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा भाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे प्लस थीटा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो कॉस का तो कॉस ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस पाई बाई 6 माइनस रूट 3 बाई 2 इसकी वैल्यू आ गई, लीजिए ना नहीं लिख रहा है, माइनस रूट 3 बाई 2 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें हमने ना ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक के एक सेक्शन को लेके चला, आइडेंटिटी वाले सेक्शन अलग है, उसको हम अलग वीडियो में समझेंगे कि उसके ट्रिक्स कैसे याद करने के होंगे, यहाँ हम एक सेक्शन को कंप्लीट कर लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो इसको रिवाइंड कर करके और देखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा एकदम यूज टू हो जाएगा आप माइंड में स्टेप्स करके, है ना, माइंड में भी करना है तो डायरेक्ट नहीं करना है, माइंड में भी स्टेप्स करने के बाद ही करना है, पहले एक्सिस पता करना है कि कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है,
प्लस थीटा है या माइनस थीटा है तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये तीन स्टेप्स आप माइंड में करना है और इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप है ना जवानी आंसर दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हम मैथमेटिक्स का लेके आने वाले हैं आपके इस चैनल पे। इस चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ही लीजिए और अपने जो मित्र हैं, फ्रेंड हैं, अपने जानकार हैं, उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मिस ना कर जाए, कंपटीशन में हमेशा वो आगे रहे। धन्यवाद।